हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय, डेवलपर। आज की इस वीडियो में कुछ और नई बातें सीखेंगे। जैसे ये एक क्रेडिट फॉर्म है जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वहां यूट्यूब में जाके देखिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूज़र फॉर्म कैसे बना है और क्या काम आता है। हमने देखा था कि किसी भी पार्टी का नाम लिखते हैं अपन, जैसे विनोद जैन है, अगर वो अपने पास 4,000 रुपये लेने के लिए आया है, तो जैसे ही 4,000 हम सेव कर देते हैं तो उसके अकाउंट में 4,000 रुपये चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर टोटल अमाउंट बताता है, जैसे 38,000 रुपये, 2,000 रुपये किसी और को दे देते हैं, जैसे यहाँ पर आया है ये तुषान कलाल। तुषान कलाल अपने पास 2,000 रुपये ले गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 हो चुके हैं। यहाँ पर नई चीज़ें बनाई है मैंने, एक अकाउंट लिस्ट बनाई है जिसमें अगर हम जैसे अरुण जोशी देख लेते हैं, यहाँ पर 5,000 उसके अकाउंट में। अगर अरुण जोशी फिर से अगर 5,000 रुपये लेने के लिए आए और अपन ने उसको 5,000 रुपये दे दिए, तो देखो उसके अकाउंट में भी 10,000 रुपये चढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किन किन पार्टियों का कितना कितना पैसा है वो उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है। क्या आप चाहते हैं ऐसी लिस्ट बनाना सीखना? ये देखो, हम किसी में भी जैसे हम ले लेते हैं सुरेश कलाल का, चढ़ा देते हैं उसमें। जैसे सुरेश कलाल है, वो हमारे पास से 3,000 रुपये ले गया, तो आप देख सकते हैं सुरेश कलाल के अकाउंट में 4,000 रुपये चढ़ गए। तो इस तरीके से हम एक अकाउंट लिस्ट बनाएंगे, आज वही सीखेंगे। तो चलिए अंदर शुरू करते हैं। हमें एक्सेल शीट में जाने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है। उसके लिए मैं एक नया यूजर फॉर्म ले लेता हूं, मैं एक नई फाइल ले लेता हूं। ये आप देख सकते हैं मैंने ये डेस्कटॉप पे एक नई फाइल रखी हुई है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें जितने तक काम हो चुका था वो फाइल है। अब हम यहाँ पर शो एक्सेल वर्कबुक में जाते हैं और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। डेवलपर में जाकर यहाँ पर विजुअल बेसिक में जाते हैं, उसके बाद यहाँ शीट टू में, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ नीचे रख देते हैं। उसके बाद आप अकाउंट फॉर्म बनाने के लिए आपको यूजर फॉर्म वन में यहाँ पर देखो एक शीट ये बनी हुई है पहले से लिस्ट बॉक्स, मैं इसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रल हाइट को मैं ट्रू करूंगा एक बार और उसे वापस फॉल्स कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस लेबल को, ये ड्रॉप एंड ड्रैग अगर नहीं आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो यहाँ ये जैसे मैंने माउस से क्लिक करके ये खींचा है तो कंट्रोल के साथ में खींचना है ताकि आप वो कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको भी सेट कर दिया है और इसमें लिख दिया है। भी थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। इस पर क्लिक करके इसका फोर कलर भी चेंज कर देंगे अपन, इसका बॉर्डर ये ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक अकाउंट की लिस्ट बना दी। अब काम यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है। इस लिस्ट पर हमें क्लिक कर F4 में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें शीट से कुछ डेटा लेना पड़ेगा। तो हम पहले शीट में चले जाते हैं और यहाँ पर शीट फोर ओपन कर लेते हैं। एक नई शीट बनाई है अपन ने, वहाँ पर इंसर्ट में जाकर यहाँ पाइवट टेबल में क्लिक करना है और ये पूछ रहा है कि टेबल और रेंज सेलेक्ट करें, तो हम यहाँ पर शीट थ्री में आके इस टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ओके करेंगे।
ओके करने के बाद यहाँ देखो पार्टी का नाम और अमाउंट दोनों को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बटन है वो उसको क्लिक करना है। उसके बाद डिज़ाइन में जाना है, यहाँ पर रिपीट ऑप्शन में डू नॉट रिपीट इस पर क्लिक कर देना है। और उससे पहले यहाँ शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक करना है ताकि एक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई हुई है मैंने ये वाली, तो ये पहले वाले जो डिज़ाइन बनाई हुई उस पर सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आप भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको सेलेक्ट कर यहाँ मॉडिफाई पे मैं जा रहा हूँ। मॉडिफाई में सबसे पहले हॉल टेबल में फॉर्मेट में इसके फ्रंट को ये कलर दे देंगे, जो कलर अपने को मिक्सिंग में चाहिए वही कलर हम देंगे। इस तरीके से मैंने इसको कलर दे दिया और यहाँ पर हेडर में भी कलर दे दूंगा मैं, जैसे ये वाला कलर। उसके बाद हम यहाँ डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में ये ऑफ कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए मुझे, तो ये ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिया। उसके बाद ये सब टोटल भी नहीं चाहिए, सब टोटल मैंने ऑफ कर दिया ये। उसके बाद देखो यहाँ पर अरुण की दो एंट्रियाँ हैं, 1000 और 2000, तो हमें इसकी एंट्रियाँ यूनिक चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर जो अमाउंट है उसको वैल्यू में डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो अमाउंट है ये वाला, यहाँ पर जो अमाउंट था मैंने वैल्यू में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर जाके इसको सम पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है वो काउंट कर रहा है तो हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सम पर क्लिक करके ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर यूनिक अमाउंट आ रहा है। इस तरीके से हमने मतलब अगर दो एंट्रियाँ होंगी तब भी वो जोड़ कर यहाँ पर एक ही एंट्री में दे देगा। उसके बाद ये ब्लैक है, ब्लैंक जो दे रखा है उसको बैक स्पेस दबा के एक बार स्पेस दबा देना, उसके बाद एंटर। तो इस तरीके से आप जो भी ब्लैंक होंगे वो इस तरीके से एम्प्टी हो जाएंगे। इसको यहाँ से A2 से यहाँ तक इस तरीके से सेलेक्ट करना है लास्ट तक, और नाम दे देना है अकाउंट। तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया अकाउंट लिस्ट। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहां से। कॉपी करने के बाद हम वापस आ जाएंगे यूजर फॉर्म में। यूजर फॉर्म में यहां लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां रो सोर्स में पेस्ट करेंगे ये, ताकि यहां पर आ जाए। उसके बाद ये कॉलम काउंट में ये दो कॉलम ले लेंगे, और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ जो है वहाँ पर मैं 150 तक, उसके बाद कॉलम लगा के यहाँ पर 70 भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखो सम ऑफ अमाउंट है, तो ये सभी का सम ऑफ अमाउंट आ रहा है। और इसका जो बैक कलर है उसको भी मैंने चेंज नहीं किया, तो थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं सूटेबल जो लगे वो उसके हिसाब से। देखो ये सूटेबल लग रहा है, तो इसके हिसाब से ये चेंज कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे। अब इसे रन कर एक बार चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये रन हो रहा है या नहीं। जैसे मैं सबसे पहले ये अरुण है, अरुण की एंट्री देखते हैं। ₹2000 में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना 32000 रुपये, 2000 ऐड करते ही ये 34000 हुआ। पर यहाँ अरुण के अकाउंट में ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शीट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर रिफ्रेश ऑल करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश ऑल करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल 5000 हो चुका है। अब ये रिफ्रेश ऑल होने के बाद जैसे ही रन करेंगे तो ये देखो आप देख सकते हैं ये 5000 रुपये आ चुके हैं। तो इस चीज़ को बार बार नहीं करना पड़े, उसके लिए आपको कोडिंग में जाना है और वहाँ पर एक कोड लिखना है। इसको सिंगल मोड कर देते हैं। यहाँ पर ये मैं सेव बटन में ही कोड लिखूँगा, यहाँ पर इसी के नीचे, इसके नीचे लिखूँगा एप्लीकेशन
इस वर्कबुक, अपने को इसी वर्कबुक में करना है डॉट रिफ्रेश ऑल। इस तरीके से एक छोटी सी लाइन का कोड है वो लिखना है अपने को। अब अपन इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, जैसे अरुण का ही चेक करते हैं। अरुण ने फिर से अपने पास से 4000 रुपये लिए। देखो आप देख सकते हो अरुण के अकाउंट में 9000 रुपये हो गए हैं। अब फिर से अरुण आया, 1000 रुपये फिर से ले गया। देखो अरुण के अकाउंट में 10000 रुपये हो चुका है। अब इसे एक बार पूरी तरह क्लोज करके सेव करके इसको वापस से ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि कोड वाकई में सही तरीके से रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ भूमिका प्रजापत। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे ही भूमिका प्रजापत में 5000 रुपये ऐड करूँगा, अभी क्या है 1000 रुपये हैं, 5000 रुपये ऐड करूँगा उसके अकाउंट में। तो देखो यहाँ पर भूमिका प्रजापत में दिख रहा है 6000 हो गए। मतलब ये जितने भी हैं अकाउंट लिस्ट में वो सभी अपने पास से कितना कितना पैसा ले गए हैं उसकी लिस्ट है, जिसे मैंने अकाउंट लिस्ट नाम दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।